तुमने अमृत को देखने की कोशिश भी कैसे की? इसकी इजाजत पूरे संसार में किसी को नहीं है। कैसे रोक ली तूने अमृत की कार? ये दुस्साहस! देखिए, मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। लो भाई, इसे कहते हैं तकदीर में पत्थर पड़ना। अब 6 महीने तक मेरे बापू को इसी टीबी रोग के सहारे जीना पड़ेगा। स्वामी जी तो 6 महीने बाद आएंगे। हाँ भाई, अब तो 6 महीने के बाद ही स्वामी जी के दर्शन होंगे और तभी चमत्कार भी होगा। मत रो सलोने, जो होना है उसे शायद ईश्वर भी नहीं टालना चाहता। नहीं नार, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। इतनी दूर आकर मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी। मैं लड़ूंगी अपने तकदीर से। अगर ईश्वर ने मुझे यहाँ तक आने का रास्ता दिखाया है तो आगे भी वही मदद करेंगे। क्या हुआ, नाका क्यों लगा है यहाँ? गुरु माँ, रास्ते में पत्थर के जाने की वजह से रास्ते बंद हो गए। एक बार मठ से निकलने के बाद हम अमृत को वापस लेकर नहीं जा सकते। हम रास्ता खुलने का इंतजार करेंगे। लेकिन गुरु माँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि रास्ता खुलने में कुछ समय बीत जाएंगे। अमृत, रास्ते में पत्थर गिर गए हैं, रास्ता बंद हो गया है, हमें मठ वापस जाना होगा। गाड़ियां मोड़ लो, हम वापस मठ जा रहे हैं। सलोनी, यहां बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे पलटना इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसा मत कहिए ना, मैं इस सच्चाई को बदल कर ही रहूंगी। मैं यहां से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन लेते। उन्हें अपना लिखा पलटना ही होगा। वरुण, हेलो हेलो वरुण, वरुण आवाज नहीं आ रही है। हेलो नाहर, हेलो वरुण, शायद यहाँ रेंज नहीं है, एक मिनट होल्ड करो। सलोनी, वरुण का फोन है, यहाँ शायद रेंज नहीं है, मैं उससे बात करके आता हूँ।
नहार, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि आखिरी वक्त तक तुम मौत के सामने अपने घुटने नहीं टेकोगे, फिर तुम अपनी दवाइयां। बहस का कोई फायदा नहीं है, मैं अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका हूं। मौत को जब आना है आए। ये क्या पागलपन है नहार? देखो, इस तरह हार मान लेने से और जज्बातों की रो में बह जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये दवाइयां तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के 2 दिन और दे सकती हैं। मेरी बात मानो ना, जिद मत करो। देखो, तुम्हें सलोनी की कसम, तुम्हें दवाइयां लोगे। वरुण, तुम जानते हो कि मैं सलोनी की कसम कभी नहीं छुटाता। इससे तुमसे कसम देकर अपनी बात मानवाना चाहता हूं ना मुझसे। अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? हमने तुमसे कहा था यहाँ से चले जाने के लिए। देखिए, मेरा स्वामी जी से मिलना बहुत जरूरी है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह वक्त से हार बैठा तो कुछ हासिल नहीं होगा। देखो ना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मेहरबानी कीजिए, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मठ के सारे नियम हमारे बनाए गए हैं, जिन्हें तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन नियम तोड़कर आज तुमने जो अपशकुन किया था, उसका नतीजा ये हुआ कि अमृत को वापस आना पड़ा, और इसलिए हम तुम्हें कभी नहीं माफ करेंगे। धक्के मार के निकालो इसे बाहर। आज के बाद ये औरत इस मठ में नजर नहीं आई। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरा स्वामी जी से मिलना बहुत जरूरी है। मेरे पति की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा स्वामी जी से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मुझे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। क्या हुआ? नार, उन्हें रोको नार, वो मुझे स्वामी जी से मिलने नहीं दे रहे। बस करो, जिन लोगों के पास इंसानियत नाम की चीज नहीं, लोगों से कैसा व्यवहार किया जाता है ये लोग नहीं जानते। सरोनी, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं, और वरुण ने मुझे दवा दी है ना, काफी है मेरे लिए। सरोनी, मेरी मौत तय है, तुम्हें सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? नहीं ना, नियति आपकी मौत नहीं है। अगर ऐसा होता तो स्वामी जी वापस लौट कर नहीं आते। ईश्वर ने मुझे नया मौका दिया है नाहर, और मैं इस मौके को हाथ से गवाना नहीं चाहती। नाहर, मैं यहाँ तब तक आती रहूंगी जब तक स्वामी जी आपका इलाज नहीं करते। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे जी टीवी पर। काशी, वाराणसी और बनारस के नाम से जाने जाने वाली भगवान विश्वनाथ जी की धर्मस्थली आज 2 गुटों के आपसी झगड़े का शिकार बन गई। फिर कौन सा, रुक जाइए। पूरे अमरनाथ में अफरा तफरी का माहौल छा गया, जिसकी वजह से वहां अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। झगड़े में घायल हुए लोगों को पासी के अस्पताल में पहुंचा दिया गया, और वहीं आज पार्लियामेंट में सलोनी और नहार तो वहीं गए। पता नहीं ये लोग झगड़ा फसाद क्यों करते हैं। अरे, इन लोगों को बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि एक मासूम परिवार की मुस्कुराहट छिन जाती है। माता जी महाराज, मेरे बच्चों की रक्षा करना। फोन तो लगाओ ने। कितना अच्छा मौसम है ना सलोनी। भाई साहब, उन्हें
उन्हें कहीं कुछ उन्हें कुछ नहीं पता चला होगा। इससे पहले फोन कट हो जाए आप लीजिए। हेलो। क्या नार, तुम कितनी देर लगाते हो अपना फोन उठाने के लिए? कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? जानते हो हम लोग कितने डरे हुए हैं यहाँ पर? इतनी देर में मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। कैसे हो तुम सलोनी? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। वैसे भी यहाँ मौसम इतना अच्छा है कि किसी को कुछ हो ही नहीं सकता, और शहर भी बहुत प्यारा है। आई विश आप सब लोग भी यहाँ होते तो बड़ा मजा आ जाता। आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं हम यहाँ। बाय द वे, हम कल सुबह दर्शन के लिए जा रहे हैं। मिस तो हम सब भी तुम्हें कर रहे हैं नार। हेलो 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 हेलो, वहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है और नाहर मौसम और शहर की बातें कर रहा है, जबकि पूरे बनारस में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है। फिर सुबह दर्शन के लिए कैसे जा सकते हैं वो दोनों? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्या है, क्या है जिसकी वजह से नाहर को अपने बड़े भाई साहब से झूठ बोलना पड़ रहा है? ये क्या नाहर, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नाहर हमें स्वामी जी के पास जाना है। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। नाहर आप सुन रहे हैं ना? नाहर आपने सुना नहीं? नाहर जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें स्वामी। सलोनी, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? बंजर जमीन पर पौध नहीं हुआ करती सलोनी, कहीं भी जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे तो ये सोच सोच कर हैरानी हो रही है कि उन लोगों ने तुम्हारा इतना अपमान किया, उसके बावजूद तुम वहां जाने की बात कर रही हो। वो लोग हमें स्वामी जी से मिलने नहीं देंगे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुमसे भी ये कह रहा हूं। ये बेकार की कोशिश छोड़ दो सलोनी। नार आप ये क्या कह रहे हैं? ठीक ही कह रहा हूं सलोनी, बस हो गया। सलोनी, मैं अपनी जिंदगी की खातिर तुम्हें बार बार अपमानित होते नहीं देख सकता। बस मुझे शांति चाहिए सलोनी, शांति। मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर यहाँ इसलिए आया हूँ, मैं नहीं चाहता था कि वो लोग मुझे तिल तिल मरते देख अंदर ही अंदर घुटते रहे। सलोनी, मेरे यहाँ आने का सिर्फ यही एक मकसद था। मैं स्वामी जी से मिलने यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे इन सब बातों में विश्वास ही नहीं है। सलोनी, अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन तुम्हारे साथ हंसते खेलते बिताना चाहता हूं, ऐसे बेबस और लाचार बनकर नहीं। ठीक है, आपको नहीं आना है तो आप मत आइए, मैं अकेले चली जाऊंगी, लेकिन भगवान के लिए ऐसी बातें करके मेरे विश्वास को कमजोर मत कीजिए। मैंने खुद से वादा किया है नार, चाहे जो हो जाए मैं अपने मां के सिर को मिलने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। सलोनी, आप सब लोग गुरुमा से मिल सकते हैं, लेकिन लाइन में तोड़िए, संयम से काम लीजिए। स्वामी जी की जय हो, गुरु मां की जय हो, स्वामी जी की जय हो, गुरु मां की जय हो, स्वामी जी की जय हो, गुरु मां की जय हो, स्वामी जी की जय हो, गुरु मां की जय हो। कल्याण हो, कल्याण हो। हम जानते हैं कि आप सब यहाँ अपने अपने दुखों का निवारण करने आए हैं। आपको दुखों से मुक्ति सिर्फ वही दिला सकता है जिस पर ईश्वर की असीम कृपा हो। हम इसे ईश्वर की अनुकंपा ही समझेंगे।
कि उन्होंने हमारे स्वामी अमृतानंद जी को इस लायक समझा कि वो आप सबकी सेवा कर सके। उनके द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं और यही बात उनकी महानता को साबित करती है। और तुम्हें कहा था कि अपनी शक्ल यहां नहीं दिखाना। मेरी गलती को माफ कर दीजिए प्लीज। मेरे पति जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और स्वामी जी ही उन्हें इस जंग में जिता सकते हैं। अगर तुम्हें तुम्हारा आत्मसम्मान प्यारा है तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना कल की तरह धक्के मार कर निकालने में हम नहीं हिचकिचाएंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे स्वामी जी से मिलने दीजिए प्लीज। मेरे पति को बचा लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। छोड़ दो। ये लीजिए, स्वामी जी ने आपके लिए दवा भेजे। मेरे लिए? इसका मतलब मेरे पति बच जाएंगे। स्वामी जी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। नाहर, नाहर आपकी सलोनी जीत गई। मुझे आपकी बीमारी का इलाज मिल गया। भगवान ने मेरी सुन ली नाहर। और आपको पता है, आज भी वो मुझे स्वामी जी से मिलने नहीं दे रहे थे, लेकिन स्वामी जी ने मठ के अंदर बैठे बैठे मेरी पुकार सुन ली, मेरे दर्द को समझ लिया और अपने सेवक के हाथों आपके लिए दवाई भिजवा दी। स्वामी जी सच में महान है नाहर, वो बहुत महान है। नाहर, नाहर मैंने कहा था ना, जब तक रानी राजा के साथ है, राजा अपने जीवन की हर लड़ाई जीतेगा। चलो ड्राइवर। जो सोचा नहीं था आज वो भी हो गया। सलोनी ने हमारे मुंह से जीत करने वाला छीन लिया है। सलोनी नाहर के लिए कोई ऐसी दवाई लेकर आई है जिससे वो ठीक हो जाएगा और मेरी दवाइयों का असर खत्म हो जाएगा। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब हम नाहर को तड़प तड़प के मरता हुआ नहीं देख पाएंगे। हार गए हम लोग। हमारे सामने हमारी ही हार के बारे में बात करने की जरूरत दोबारा मत कीजिएगा मिस्टर वरुण। परिस्थितियों के सामने जो इंसान घुटने टेक देते हैं वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी छोटी सी बात से आप परेशान कैसे हो गए? देखिए मिस्टर वरुण, आप नाहर को मारने के लिए कोई और तरीका अपनाइए, क्योंकि अगर नाहर बच गया और उसे अपने साथ हो रहे विश्वासघात के बारे में पता चला है तो उसकी रगों में दौड़ता हुआ राजपूती खून आपकी गर्दन को दबोचने में देर नहीं लगाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो हम शायद अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं, आप जानते हैं। इसलिए नाहर को मारने के लिए आप जो भी तरीका अपनाना चाहते हैं, जो भी रास्ता अपनाएं, आई जस्ट डोंट केयर। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि नाहर का मरना हमारे लिए बहुत जरूरी है।